ये देखिए गुल्ली डंडा खेल रहे हैं सभी लोग और बच्चों के साथ आउट हो गए हैं। अब इन लोग की पारी है, तभी से इन लोग मेहनत कर रहे थे। और देखिए ये यहाँ पर हमारे जूनी सर भी हैं और जूनी सर भी पूरे तैनात हैं। उधर छोटे छोटे साथी जो हैं हमारे साथ हैं, उधर से ये विपक्षी टीम है और ये देखिए ये जूनी सर की टीम है। और देखते हैं ओ कैच फिर से। चलिए देखते हैं अब आनंद जी अपना क्या जलवा दिखाते हैं गुल्ली डंडा में। देखिए इनका तो कैच, कैच इस छोटे बच्चे ने छोड़ दिया। चलिए अब देखते हैं, अगर उस डंडे पर लग जाएगा तो आउट, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और इधर भी कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं जो कि देखिए इन लोग भी हैं। अब देखिए अब बहुत दूर उन्होंने गुल्ली को उछाल दिया है और सभी लोग जा रहे हैं पीछे। अपना रिएक्शन बताइए, सभी लोग कहाँ जा रहे हैं बताइए रिएक्शन जल्दी। गुल्ली डंडा वाला रिएक्शन है। चलिए देखते हैं इन लोग कितना दूर मारे हैं। यहाँ से 60 डंडा बोले हैं, यानी यहाँ से नापेंगे अगर उस जो गुल्ली है वहाँ पर अगर 60 डंडा हो जाता है तो इनका 60 पॉइंट हो जाता है। इनको भी देख लीजिए, ये भी यहीं पर खेल रहे हैं कुछ छोटे छोटे बच्चों के साथ। इन लोग का अलग टीम है और जूनी सर का जो है अलग टीम है। उधर सभी लोग हैं क्या ओ जूनी सर ने कैच ले लिया है। गिल्ली डंडा खेल रहे हैं सभी लोग। देखिए बचपन की याद ताजा किया जा रहा है। और इधर देखिए छोटे बच्चे को, ये भी बहुत उतावला है लेकिन ये माटी खा रहा है। तुम माटी खाते हो, इधर आओ, सुन। देखिए ये माटी खाकर बहुत तेज दौड़ रहा है, लगता है फुर्ती आ जाता है माटी खाने से। अब देखिए विपुल जी की बारी है, विपुल जी की नहीं विवेक जी की। चलिए विवेक जी देखते हैं क्या कमाल दिखाते हैं। रुको हटो तुम आगे से। विवेक उन्होंने तो नहर पार कर दिया गिल्ली डंडा में। गिल्ली डंडा खेलने जान रहे हैं विपुल जी के छोटे ब्रदर, बहुत दूर में आए हैं। देखते हैं कहां पर गिल्ली गया है। चलिए देखिए नहर में चला गया है गिल्ली डंडा। और यहां पर सभी लोग देख रहे हैं कि गिल्ली किधर चला गया, सभी लोग इंतजार में हैं। ये इनका दूसरा गिल्ली है। और इधर देखिए नीति जी वहां से गुल्ली ला रहे हैं, नहर में कूद पड़े, मिलेगा तब तो। चलिए देखिए सभी लोग गिल्ली को हरा दिए, मतलब हरवा दिए।